This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. This video is just for knowledge purpose. हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में होने वाले आईपीएल 2021 के दूसरे मैच के बारे में। दोस्तों, जो पहला मैच था वो ऑलरेडी हो गया है आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच में। आरसीबी ने वो मैच लास्ट में जीत लिया है और अब ये दूसरा मैच है चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। दोस्तों, ये वाला जो मैच है वो उसी टाइम पर खेला जाएगा जिस टाइम पर पहला मैच खेला गया था, यानी कि 7:30 बजे इंडियन स्टेडियम टाइम, शाम के 7:30 बजे। और ये वाला जो मैच है ये खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम, जो कि अपने मुंबई के अंदर है। ठीक है, अब देखो, वानखेड़े स्टेडियम का जहां पर नाम आ जाता है वहां आपके दिमाग में एक घंटी तो बज ही जानी चाहिए। क्या बज जानी चाहिए? कि भाई वानखेड़े स्टेडियम का नाम है, मतलब छोटी सी बाउंड्री है, मतलब बैटिंग फ्रेंडली जो है माहौल यहाँ पर अच्छे से रहने वाला है। और बैटिंग फ्रेंडली से मेरा मतलब है अगर दोनों टीम सही से खेलती है तो 170 प्लस का एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको आराम से, बहुत ज्यादा आराम से देखने को मिल जाना चाहिए। दोस्तों, अगर मैं बात कर लूं इन दोनों ही टीम की, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के पिछले 5 मैच की, अब पांचों मैच इन्होंने ऑफ कोर्स आईपीएल 2020 में ही खेले हैं जो अभी कुछ महीनों पहले ही खत्म हुआ है। ठीक है, अगर पिछले 5 मैच की बात करूं तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जो 5 मैच खेले हैं उनमें से 3 मैच विन किए हैं और 2 मैच हारी है। वहीं अगर मैं डीसी की बात करूं तो इनका आंकड़ा थोड़ा उल्टा है, 2 मैच जीती है और 3 मैच हारी है। लेकिन डीसी की टीम में और सीएसके की टीम में, दोनों की टीम में बहुत ज्यादा चेंजेस इस बार आईपीएल 2021 में देखने को मिल जाएंगे। खासकर जो चेंज है डीसी की टीम में वो ये है कि पंत जो है इस बार कैप्टनसी कर रहे हैं। देखते हैं पंत की कैप्टनसी वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के सामने कैसे चल पाती है। आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, वो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो में आगे हम बहुत सारी बातें कवर करेंगे, बहुत सारी न्यूज कवर करेंगे इस मैच के बारे में। लेकिन उससे पहले अपना जो पहला वीडियो था उसमें जो गिव अवे था उसके विनर्स का अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो यार, विनर्स आपको अपने स्क्रीन पर दिख पा रहे होंगे। मैंने जो सवाल पूछा था उसके 5 विनर्स होने थे लेकिन सिर्फ 2 ही ऐसे आंसर थे जो कि एकदम करेक्ट थे, 2 ही आंसर ऐसे थे जो एकदम रूल्स को फॉलो कर रहे थे। यार, रूल्स एकदम सिंपल थे कि एडिटिंग आपके कॉमेंट में नहीं होनी चाहिए, आपका कॉमेंट 7:30 बजे से पहले का होना चाहिए, कुछ ऐसे ऐसे रूल्स थे अपने। ठीक है, रूल्स में वापस डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। इस वीडियो में भी गिव अवे है, वो भी इस सवाल में आपको बताऊंगा। लेकिन जो अपने गिव अवे विनर्स हैं, अजयदीप सिंह सिद्धू और प्रज्ञेश मेहरा, इन दोनों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। देखिए, इस जो ये वाला जो वीडियो है इसका भी जो गिव अवे का सवाल है वो एकदम सेम है कि सीएसके और डीसी इन दोनों में से कौन सी जो टीम है वो ये वाला मैच जीतेगी, प्लस सीएसके की टीम से हाईएस्ट रन स्कोरर कौन रहेंगे और दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर कौन रहेंगे। जो अपने गिव अवे के रूल्स हैं वो एकदम सेम है। पहला रूल ये है कि आपका कॉमेंट जो है वो एडिटेड नहीं होना चाहिए, अगर एडिटेड है तो आप ऑलरेडी जो है कॉम्पिटिशन से बाहर हो चुके हो, गिव अवे आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, आप हमारे चैनल के एक मेंबर होना बहुत जरूरी हो। अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हो तो ऑफकोर्स यार, अगर मेरा कोई चैनल का सब्सक्राइबर नहीं होगा तो मैं फालतू में उसे पैसे क्यों दूंगा, आपका चैनल का मेंबर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी बात, आपका जो कॉमेंट है वो 7:30 बजे से पहले होना चाहिए, 7:30 बजे के बाद अगर आपका कॉमेंट आता है तो वो भी गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। चौथी चीज, आपके जो कॉमेंट है उसमें आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी नहीं होनी चाहिए, अगर आप जीत जाते हो तो आपको हमारी तरफ से रिप्लाई मिल जाएगा, उसके बाद ही आपको अपना पेटीएम या फोन पे नंबर प्रोवाइड करवाना है। लेकिन दोस्तों, एक नया रूल आज से मैं गिव अवे में और एड कर रहा हूं। यार, मैंने देखा है कि गिव अवे के लिए लोग जो है वो 25 से 30 कमेंट एक ही आईडी से कर देते हैं और एक ना एक तुक्का लग जाता है उनका। देखो, ऐसा नहीं सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए, सब चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक रूल ऐड कर रहा हूं कि एक आईडी से आप मैक्सिमम 5 ही कॉमेंट कीजिए, 5 से ज्यादा कॉमेंट आपकी आईडी से नहीं रहने चाहिए। 5 आप तुक्के लगाओ, अगर 5 तुक्कों में से अगर आपका एक तुक्का सही निकल गया तो आप गिव अवे विन कर लोगे, अगर 5 तुक्के आपके गलत निकले तो फिर बेटर लक नेक्स्ट टाइम अपने वीडियो कौन से रुक रहे हैं, डेली आएंगे, डेली आईपीएल है। ठीक है, तो 5 से ज्यादा कमेंट आपकी आईडी के नहीं होने चाहिए, ये बात भी आपको नोटिस कर लेनी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वीडियो की सारी बातें बता देता हूं। देखो, पिच रिपोर्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि जो बैटिंग फ्रेंडली पिच रहने वाला है वानखेड़े स्टेडियम है, 170 प्लस स्कोर आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। वीडियो गिव अवे के बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है, पिछले मैच के जो गिव अवे विनर्स हैं उनको बता दिया है, उनका अनाउंसमेंट हो गया, उनको रिप्लाई ऑलरेडी मिल गया है।
ठीक है। इस वीडियो में क्या गिव अवे रहने वाला है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। दोस्तों आगे मैं आपको वीडियो में प्लेयर न्यूज बताऊंगा कि कौन कौन से प्लेयर अवेलेबल हैं, कौन से नहीं है, क्या क्या सीन रहने वाला है। उसके बाद इम्पोर्टेंट प्लेयर्स, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है ये बात रहेगी अपनी, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बातें हम इस जगह पर करेंगे। इम्पोर्टेंट प्लेयर आपको बताऊंगा कि जो आपको स्मॉली गोर ग्रैंडलिंग में जीतने में हेल्प करेंगे। उसके बाद दोस्तों मैं आपको अपनी ड्रीम इलेवन टीम भी बताऊंगा और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आगे इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। लेकिन यार अपनी जो फाइनल टीम रहेगी या फिर फाइनल न्यूज रहेगी वो सभी आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल फैंटेसी सपोर्ट पर। दोस्तों अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसकी ओरिजिनल लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहां पर ऑलरेडी 185,000 मतलब 185,000 से भी ज्यादा लोग हमारे साथ वहां पर जुड़े हुए हैं, डेली हमारी टीम्स का फायदा उठा रहे हैं। देखो गिव अवे भी हमने किया था पहले मैच में और आगे भी गिव अवे ओब्वियसली करते रहेंगे। गिव अवेज का भी फ्री में फायदा उठा रहे हैं। अगर आप उनमें से नहीं हो आपका मोस्ट वेलकम है। जो अपना ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, नाम है उसका फैंटेसी सपोर्ट। जो अपना ओरिजिनल यूट्यूब चैनल है उसके नाम पर वो नाम है, ठीक है। ये वाला चैनल लाइव सपोर्ट, ये अपना सेकेंडरी चैनल है, इस पर अपन लाइव सेशन करते रहेंगे। आज भी हो सकता है अपन लाइव आए, कल मैं आ नहीं पाया था ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन आज हो सकता है कि हम लाइव आए। अगर आती है तो वो इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। लाइव सेशन में हम इस मैच से रिलेटेड सारी जो कुंडली है वो एक बार वापस खोलेंगे, ठीक है। आपस में अपन दोनों बैठ के बातें करेंगे। लेकिन घूम फिर के बात वही है कि आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइनल टीम, फाइनल न्यूज, एनी इन्फॉर्मेशन जो लास्ट मोमेंट पे प्रोवाइड करवानी होगी वो सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। जो ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाके इसे फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें प्लेयर न्यूज की, तो देखो साउथ अफ्रीका का जो पावरफुल कॉम्बो है ड्यूओ का, जो अपने दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफी इंपोर्टेंट है, वो है एक तो कगिसो रबाडा और दूसरे अपने आंद्रेस नोटिया, ठीक है। दोनों ही इस मैच के लिए डाउटफुल हैं क्योंकि दोनों ही जो है खेल के आ रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट वाली सीरीज और अभी शायद 6 तारीख को ही इंडिया में पहुंचे हैं। तो अभी जो एक वर्ड आ रहा है क्वारंटाइन, वो उन्हें कर रखा है, क्वारंटीन कर रखा है और अभी वो अवेलेबल नहीं है इस पर्टिकुलर मैच के लिए। वो देखते हैं अगर इन्हें खिलाते हैं कोई एक्सेप्शन बनाते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता 90% चांस है कि ये दोनों ही ये वाला मैच मिस करेंगे। ऐसे ही सीएसके के लिए एक और सीएसके के लिए एक बुरी खबर ये है कि जो लुंगी अंगीडी है वो भी सेम इसी सीन, वो भी अभी क्वारंटीन है, वो भी शायद ये वाला मैच नहीं खेलने वाले हैं। तो इन तीनों ही प्लेयर्स को आपको अपनी टीम में नहीं रखना है। वहीं बात करें यार दिल्ली कैपिटल्स के एक और प्लेयर, एक और ऑलराउंडर आई वुड से कि अक्षर पटेल जो है वो COVID-19 यानी कि कोरोना के लिए पॉजिटिव टेस्टेड हुए हैं, तो वो भी ये वाला मैच मिस करेंगे। जस्ट इन केस अगर मैच स्टार्ट होने से पहले वो दो अपनी नेगेटिव रिपोर्ट दे देते हैं तो हो सकता है वो मैच में खेलें, जो कि आई डोंट थिंक पॉसिबल है। इसलिए ऐसा मान लीजिए कि अक्षर पटेल भी ये वाला मैच नहीं खेलने वाले। लेकिन अपने पास जैसे ही कोई फाइनल न्यूज आएगी वो आपको ऑब्वियसली अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए बोल रहा हूं टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। दोस्तों अब बिना कोई ज्यादा टाइम वेस्ट किए हम बात कर लेते कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में जो इस मैच में एक तरीके से गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सबसे पहले जिनका नाम आता है उनका नाम है यार शिखर धवन, ठीक है। शिखर धवन एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये आउट ऑफ फॉर्म है बंदा, लेकिन देखो हो सकता है कि T20 में उतना अच्छा परफॉर्म फिलहाल में नहीं कर पा रहे, लेकिन उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि जब चाहें वो अपनी फॉर्म वापस ढूंढ सकते हैं, ठीक है। शिखर धवन की देखो मैं आपको बात बताता हूं, शिखर धवन CSK के अगेंस्ट यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट काफी शानदार परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। इन्होंने अगर मैं बात करूं तो शायद 777 यानी कि 777 रन CSK के अगेंस्ट ठोक रखे हैं मात्र 23 मैच में। इनका जो CSK के अगेंस्ट रिकॉर्ड है वो ये है कि 41 का इनका एवरेज रहता है ओनली CSK के अगेंस्ट और 128 के समथिंग की स्ट्राइक रेट के साथ ये खेलते हैं CSK के बॉलर्स के अगेंस्ट, जो कि एक काफी शानदार स्टेट है देखा जाए तो। इसलिए मैं बोल रहा हूं भाई शिखर धवन एक काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके इस मैच के लिए। ऑल्सो वन मोर इन्फॉर्मेशन की यार शिखर धवन जो है वो लास्ट जो अपना IPL सीजन गया था उसमें दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर थे शिखर धवन, और जो इनको और ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए बनाता है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं यार ऋषभ पंत की, ऑफकोर्स दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत, इन्होंने जब से इंडियन टीम में दाखिला लिया तब से इनकी परफॉर्मेंस काफी बेटर हो गई है बैट के साथ। अगर मैं इनकी बात करूं तो यार नंबर 3 या 4 पर ही आपको बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे। अगर मैं पिछले सीजन की बात करूं तो इन्होंने शायद 343 रनों का योगदान दिया था अपनी टीम के लिए बल्ले से, ठीक है।
और शिखर धवन यार ऑफकोर्स इनकी बैटिंग थोड़ी डाउन आती है, लेकिन फिर भी 30 प्लस का एवरेज इन्होंने मेंटेन किया था हर मैच में। ऐसे मान लो 30 रन तो आपको बना के दे रहे हैं, और 30 रन का मतलब हो गया लगभग 45 से 50 पॉइंट इन ड्रीम इलेवन एंड एवरी अदर फैंटेसी प्लेटफॉर्म। तो यार शिखर ऋषभ पंत भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चॉइस रहने वाले हैं इस पर्टिकुलर मैच के लिए। फिर दोस्तों तीसरे नंबर पर अपने पास नाम आता है मार्कस स्टोइनिस का। मार्कस स्टोइनिस ऑफ कोर्स बहुत शानदार है, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों के साथ आपको अच्छे से पॉइंट दे सकते हैं। पिछले ही सीजन में इन्होंने 352 रनों की शानदार पारी खेली थी, वो भी नीचे आते हुए, ठीक है। बैटिंग इनकी थोड़ी नीचे आती है क्योंकि ये एक ऑलराउंडर है, और फिर भी इन्होंने 352 रन बनाए, 150 की से ज्यादा की इनकी स्ट्राइक रेट रहती थी, क्योंकि यार ये धोता बहुत गंदा है, ठीक है, बैटिंग के साथ भी बॉलिंग के साथ भी। इन्होंने बॉलिंग करते हुए भी शायद जहां तक मेरे को लगता है 13 विकेट इन्होंने अपनी टीम के नाम किए थे, जो कि यार काफी सही है। और अब एक चीज आपको नोटिस करनी पड़ेगी यहां पर, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि भाई कगिसो रबाडा और आंद्रिश नोटिया दोनों ही इस मैच में नहीं खेल रहे, दोनों ही पेसर थे, तो अगर पेसर को फिलअप करना है तो मार्कस स्टोइनिस आपको बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। फिर दोस्तों नीचे आने पर अपने पास ऑप्शन आ जाता है रविंद्र जडेजा का। ऑफ कोर्स रविंद्र जडेजा एक काफी शानदार प्लेयर है, बैटिंग के साथ इनकी भी स्ट्राइक रेट 150 प्लस ही रहती है ऐसे मान लीजिए, और बॉलिंग के साथ भी आपको विकेट देने के लिए काबिलियत रखते हैं रविंद्र जडेजा, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक है। देखो रविंद्र जडेजा मेरे पर्सनल फेवरेट है, ये काफी शानदार और एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, इसलिए मैंने इन्हें इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की कैटेगरी में रखा है, बाकी और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। अगर बात करें सैम करन की, सैम करन ने पिछले ही आईपीएल के सीजन में काफी इंपॉर्टेंट साबित रहे थे सीएसके के लिए, हालांकि सीएसके जो है बहुत गंदी तरीके से हारी थी पिछले वाला आईपीएल, लेकिन फिर भी यार है ना, इन्होंने शायद 11 मैच खेलते हुए सीएसके की टीम की तरफ से 186 रनों का योगदान दिया था अपने बैट के साथ, ओपनिंग भी करने आए थे, कभी वन डाउन कभी टू डाउन हर एक उस पर खेल रहे थे, अराउंड 132 के समथिंग इनकी स्ट्राइक रेट थी, और ये खेलते हुए भी सैम करन ने अराउंड 13 विकेट अपनी टीम के नाम किए थे। इन्होंने भी बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों के साथ ये पॉइंट आपको दे सकते हैं, सैम करन नाम याद रखना। और बात करूं यार इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की, तो फाफ डु प्लेसी ऑफ कोर्स आपको ओपनिंग करते हुए वापस नजर आ सकते हैं। फाफ डु प्लेसी पिछले सीजन में सीएसके की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर जो है वो फाफ डु प्लेसी थे, और इन्होंने लगभग 450 प्लस का स्कोर किया था सीएसके की टीम के लिए, वापस एक बार आपको बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे, छोटा मैदान है तो हो सकता है फाफ डु प्लेसी आपको कुछ कमाल करते हुए भी नजर आ जाए। वहीं बात करूं एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर, एक और ट्रंप प्लेयर की, अब देखो अगर ऋतुराज गायकवाड़ खेलते हैं तो आई डोंट थिंक कि इन्हें ज्यादा लोग अपनी टीम में रखने वाले हैं। अब एक सरप्राइज वाली बात बताता हूं जो बहुत कम लोगों को पता है, वो ये है कि पिछले आईपीएल के सीजन में इन्होंने जब सीएसके की हालत बहुत ज्यादा खराब थी तब आकर तीन बैक टू बैक 350 लगाई थी, तीन मैच में लगातार 350 लगाई थी, इसलिए हो सकता है कि इन्हें वापस ओपनिंग करने का मौका दिया जाए, और ओपनिंग करते हुए एक बार आपको वापस कमाल करते हुए दिख सकता है, क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम है, छोटी बाउंड्रीज है, प्लेयर बहुत शानदार है ऋतुराज गायकवाड़, ये आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए काफी शानदार पिक रह सकते हैं अगर इन्हें कैप्टन आप बना देते हो ग्रैंड लीग की टीम्स में। ग्रैंड लीग से यार एक और प्लेयर मेरे को याद आ रहा है, यहाँ पर शायद मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लेना, पृथ्वी शो, ठीक है। पृथ्वी शो अब देखो हो सकता है कम लोग लें, हो सकता है ज्यादा लोग लें, बस मेरे दिमाग में तो ये आ रहा है कि अभी कुछ टाइम पहले जो विजय हजारे ट्रॉफी गई है उसमें इन्होंने काफी शानदार परफॉर्मेंस किया था, हालांकि वो एक 50 ओवर फॉर्मेट था और वहां पर जो बॉलर है वो ये नहीं होंगे जो अब इनके सामने होंगे, लेकिन फिर भी यार इन्होंने काफी शानदार परफॉर्मेंस किया था। इनकी परफॉर्मेंस देखो मैं आपको बता देता हूँ, 105 रन भी बनाए थे, फिर उससे अगले मैच में इन्होंने 227 रन भी बनाए थे, फिर 185 नॉट आउट की भी पारी खेली हुई है, 165 की भी, मतलब ऑन 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 पृथ्वी शो ने विजय हजारे ट्रॉफी में काफी शानदार परफॉर्मेंस किया था अपनी टीम को लेकर, लेकिन वो 50 ओवर फॉर्मेट था, बस इतना सा याद रखना कि हो सकता है पृथ्वी शो आपके लिए काम कर जाए ग्रैंड लीग की टीम्स में, ठीक है। स्मॉल लीग की टीम से अगर आप चाहो तो इन्हें ड्रॉप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और तो यार ऑल द एडिशनल इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड ऑन टेलीग्राम चैनल, फ्री ज्वाइनिंग लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। साथ ही इस वीडियो पर लाइक टारगेट मैंने आपके लिए रखा है 5000 लाइक्स का, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो यार क्या कर रहे हो, किसका वेट कर रहे हो, ठीक है, भाई का वीडियो है, आपका ही वीडियो है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वेट किस चीज का कर रहे हो मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल के एक मेंबर बनो, वीडियो में गिव अवे के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, साथ ही एकदम चैनल का सब्सक्रिप्शन
फ्री है। अगर आपको फायदा नहीं होता है तो आप कुछ दिनों बाद चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए सब्सक्राइब कीजिए, कुछ दिन आजमाइए। आई एम 100% श्योर कि आपको बेनिफिट होगा ही होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्लेयर बैटल्स के बारे में, जो कि डेफिनेटली एक काफी इम्पोर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊंगा प्लेयर बैटल्स में, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है और ये बातें जो है आपको स्मॉली गुड क्रेनलिंग में डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है। और देखना, कुछ इम्पोर्टेंट प्लेयर बैटल ही मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला इम्पोर्टेंट प्लेयर बैटल वो ये है कि उथप्पा वर्सेज अश्विन, आई थिंक है ना, तो रोबी उथप्पा वर्सेज अश्विन की अगर मैं बात करूं तो इनका कुछ ऐसा सीन है, ये काफी इंपोर्टेंट सीन है। उथप्पा ने अश्विन की अराउंड 91 बॉल्स खेली हैं, जिनमें उन्होंने लगभग 120 रन बनाए, बट इन्होंने लगभग 6 बार अपना विकेट अश्विन को गंवा चुके हैं, और 6 बार विकेट गंवाना सिर्फ एक बॉलर को वो कोई तुक्का नहीं होता एक तरीके से, ठीक है। तो एक तरीके से ऐसे मान लो कि अश्विन जो है वो उथप्पा के लिए खतरा ही है, ठीक है, ये बात आपको अपने दिमाग में रखना है। और दैट मेक्स अश्विन आर वेरी इंपॉर्टेंट चॉइस फॉर यू, ठीक है। एक और अगर मैं बात करूं अश्विन के अगेंस्ट ही, तो यार अंबाती जो रायडू है, अंबाती रायडू वो भी अश्विन के खिलाफ कुछ ज्यादा अच्छे से बैटिंग नहीं कर पाते हैं, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। चलो अंबाती रायडू वर्सेज रविचंद्र अश्विन अराउंड 64 बॉल्स जो है खेली हैं, उसमें 75 रन बनाए हैं, बट 4 बार अपना विकेट ये भी अश्विन को गंवा चुके हैं, इसलिए अश्विन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बॉलर, अश्विन तो है ही है, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बॉलर, ये शायद हो सकता है खेलें, शायद हो सकता है नहीं खेलें, लेकिन अगर खेलते हैं तो अपनी टीम में आपको जरूर रख लेना है, वो है अमित मिश्रा, ठीक है। अब अमित मिश्रा के अगेंस्ट एक काम करते हैं, सीएसके के बैट्समैन की परफॉर्मेंस देख लेते हैं एक बार। एक तो है अपने सीएसके के बैट्समैन सुरेश रैना, ठीक है, दूसरे हैं अपने सीएसके के बैट्समैन अंबाती रायडू। देखो रायडू अश्विन के सामने भी अच्छे नहीं है, मिश्रा के सामने भी अच्छी नहीं है, ये कुछ बातें आपको नोटिस करनी होंगी। और रोबी उथप्पा ऑफकोर्स। रैना की अगर मैं बात करूं तो रैना ने मिश्रा के अराउंड 87 बॉल्स खेली हैं, जिसमें इन्होंने बनाए 109 के समथिंग रन, लेकिन 4 बार अपना विकेट जो है रैना गवा चुके हैं मिश्रा को, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वहीं बात करूं अगर मैं रायडू की, तो इन्होंने अराउंड 81 बॉल खेली है मिश्रा की, जिसमें उन्होंने बनाए 97 के समथिंग रन, और 3 बार ये भी अपना विकेट गवा चुके हैं मिश्रा को। उथप्पा की अगर मैं बात करूं तो 72 बॉल्स खेली जिसमें बनाए 84 रन्स, और 4 बार ये अपना विकेट इन्हें भी गवा चुके हैं। उथप्पा 4 बार अपना विकेट मिश्रा को गवा चुके हैं, उथप्पा 6 बार अपना विकेट अश्विन को गवा चुके हैं। अंबाती रायडू जो है 3 बार अपना विकेट मिश्रा को गवा चुके हैं, अंबाती रायडू 4 बार अपना विकेट अश्विन को गवा चुके हैं, ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। डेली के ये दोनों ही बॉलर मिश्रा एंड अश्विन दोनों ही अंबाती रायडू एंड उथप्पा दोनों के लिए डेंजर है, ये बातें आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली के बैट्समैन की अपने चेन्नई के बॉलर्स के अगेंस्ट परफॉर्मेंस, तो ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक प्लेयर बैटल है, ठीक है। ऊपर वाले तो कुछ ही नहीं थे प्लेयर बैटल, ये कुछ ज्यादा खतरनाक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो स्टीव स्मिथ, जिन्हें राजस्थान ने भगाया, दिल्ली में आ गए, ठीक है। स्टीव स्मिथ वर्सेज रविंद्र जडेजा, कुछ ज्यादा ही इंपोर्टेंट प्लेयर बैटल। 75 बॉल्स खेली हैं, जिसमें बनाए मात्र 70 रन, मतलब कि स्ट्राइक रेट 100 से डाउन, और 5 बार अपना विकेट जडेजा को गुवा चुके हैं स्मिथ, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्मिथ जो है जडेजा के सामने नहीं चल पाएंगे, एक बार फिर से ये बात ध्यान रखना। और पृथ्वी शो की जितनी मैंने तारीफ की उतनी ही मैं बुराई भी करूंगा अभी, पृथ्वी शो जो है वो दीपक चाहर के सामने बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 39 बॉल में 38 रन बनाए हैं, मतलब कि स्ट्राइक रेट 100 डाउन, और 5 बार अपना विकेट मात्र 39 बॉल में गवा चुके हैं। 6 बार शायद इन दोनों का आमना सामना हुआ है, जिसमें से 5 बार चहर ने शो का विकेट लिया ही लिया है, तो ये बात ध्यान रखना। पृथ्वी शो को अगर आप चाहो तो ग्रैंड लीग से ड्रॉप भी कर सकते हो, स्मॉल लीग से भी ड्रॉप कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि मेरे को गट फीलिंग है कि चहर जो है एक बार वापस कमाल करेंगे और शाह को लेके ही जाएंगे। दोस्तों अब चलते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं आपको अपनी ड्रीम इलेवन टीम्स बना के दिखा देता हूं, लेकिन एक बार मैं वापस बोलूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, 5000 आपके लिए लाइक्स रखे हैं मैंने, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।
तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। ये रहा अपना CSK और DC के बीच में होने वाला वीवो IPL का दूसरा मैच, जिसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता दी है। प्लेयर न्यूज़ ले लो, पिच रिपोर्ट ले लो, टीम न्यूज़ ले लो, प्लेयर बैटल ले लो, इंपॉर्टेंट प्लेयर ले लो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वीडियो में बता दी है, ठीक है। गिव अवे का क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में बता दिया है, उसमें आप फ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन आपका चैनल का मेंबर होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों आगे वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसे टीम बनानी है, कैसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं, कौन से आपके ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं ग्रैंड लीग की टीम वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अपनी जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको मिलेगी यार हमारे टेलीग्राम चैनल फैंटेसी सपोर्ट पर, ठीक है। इसकी जो ओरिजिनल लिंक है, जो ज्वाइनिंग लिंक है, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से जाके इसे एकदम फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर यार आपको फ्री की टीम तो मिलती ही है, लेकिन फ्री के गिव अवेज, फ्री के ऑफर्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको प्रॉफिट कमा के देने में एकदम 100% साबित होंगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो गिव अवेज हमने किए थे, एक नहीं बल्कि दो दो तीन तीन गिव अवे हमने कल वाले एक ही मैच में किए थे, और उनके जो विनर्स हैं उनको यहाँ पर कॉन्ग्रेट्स बताया गया है। ऊपर जो है वो मैं अपना दुखड़ा रो रहा था कि यार अपने जो ओरिजिनल चैनल है उस पर स्ट्राइक आ गई, अब मैं वो ही नहीं करता रह सकता है ना, सिर्फ रोता नहीं रह सकता कि यार चैनल पे स्ट्राइक आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, कोई बात नहीं, आ गई यूट्यूब है, कुछ भी करेगा, उसका एप्लीकेशन है, मैं क्या ही कर सकता हूँ, आ गई तो आ गई, बस आप लोगों का सपोर्ट किए इस पर्टिकुलर चैनल पर भी, ये सेकेंडरी चैनल है अपना, जैसे ही वहाँ पर अपना स्ट्राइक हट जाती है, जैसे ही वो रिएक्टिव हो जाता है चैनल, सारे वीडियोज वहाँ पर जाएंगे, लाइव सेशन यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अभी कुछ दिनों की बात है, बस इस लाइव सपोर्ट वाले चैनल पर हम लाइव सेशन और वीडियोज़ दोनों कवर करेंगे। आई होप कि आप इससे ओके हो। बाकी अपना जो टेलीग्राम चैनल वो एक ही है, इस पर अराउंड 187,000 187,000 के समथिंग लोग फिलहाल के लिए जुड़े हुए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ जाओगे। हमारे ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ये ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर देखो यार, बात करते हैं हम अपनी टीम के बारे में। तो यार देखो, विकेट कीपर सेक्शन में आपके पास मोस्टली तो दो ही ऑप्शन है, ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी। सोम बुलिंग्स और जगदीश चंद दोनों का ही खेलना अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। जैसे ही कंफर्मेशन आएगी चिंता मत करो, वो आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दी जाएगी। बात करते हैं यार, ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी दोनों ही तगड़ी चीज़ हैं, दोनों ही विकेट कीपर हैं और दोनों ही अपनी टीम के कैप्टन हैं। प्लस MS धोनी ने जहां पर इंडियन टीम को छोड़ा, वहां से ऋषभ पंत ने उन्हें पिक किया है, यानी कि ऋषभ पंत ने अपनी जगह अच्छी बनाई है इंडियन टीम में विकेट कीपर। तो देखो फिलहाल के लिए जो कंफर्म पिक है वो है ऋषभ पंत, क्योंकि नंबर 3 या 4 पर बैटिंग करेंगे, अच्छी फॉर्म में है, अच्छा काम आपके लिए कर सकते हैं। बात करते हैं धोनी को, धोनी को लेना है कि नहीं लेना। अब यार बात देखो जहां आ जाती है धोनी की, वहां पर मैं तो बोलता हूं ले ही लेते हैं, क्योंकि अभी तो देखो वॉटसन भी नहीं है जो पिछले सीजन तक थे CSK के साथ, नो क्रेडिट के हैं, लेकिन क्रेडिट की चिंता मत करो क्योंकि इस पर्टिकुलर मैच में आपको क्रेडिट का कोई इशू नहीं आने वाला, इसलिए एक बार के लिए मैंने तो धोनी जी को उठा लिया अपनी टीम में। बाकी देखेंगे, अगर आप चाहो तो चेंजेस कर लेना। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सिर्फ डेमो टीम है, अपनी फाइनल जो टीम रहेगी वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल फैंटेसी सपोर्ट पर। मैंने जो है माही भाई को क्यों उठाया, रीज़न यही है कि नंबर 4, 5 या 6 इन तीनों में से कभी बैटिंग करेंगे, जहाँ तक मेरे को लगता है नंबर 5 पर बैटिंग करेंगे और बैटिंग इनकी आएगी, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि बैटिंग इनकी आएगी, और बैटिंग आ गई तो भाई अगर 10-12 बॉल भी खेल लिया तो छोटा सा मैदान है, काफ़ी ज़्यादा काम के साबित हो सकते हैं धोनी भाई आपके लिए, ठीक है। खैर देखो, बात करते हैं बैट्समैन सेक्शन की। बैट्समैन सेक्शन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, शिखर धवन, सुरेश रैना ऑफकोर्स, फाफ डू प्लेसी ऑफकोर्स, स्टीव स्मिथ का खेलना कंफर्म नहीं है, अंबाती रायडू खेलेंगे आई थिंक, रोबी उथप्पा शायद खेलेंगे, रहाणे वगैरह, हेटमेयर, पृथ्वी शॉ, चलो सबकी बातें करेंगे अपन धीरे धीरे, लेकिन एक बार के लिए कंफर्म जो पिक हैं वो उन्हें तो उठाओ। कंफर्म पिक कौन कौन से हैं, शिखर धवन, फाफ डू प्लेसी, सुरेश रैना जो है खेलेंगे नंबर 3 या 4 पर बैटिंग करेंगे, अगर आप चाहो तो अपनी टीम में रख सकते हो, लेकिन बहुत टाइम से, जैसे कि आपको पता है कि IPL का पूरा पिछला सीजन इन्होंने मिस किया था, इंटरनेशनल क्रिकेट ये खेलते नहीं हैं, तो मतलब एक तरीके से बहुत टाइम से इन्होंने क्रिकेट नहीं खेला है, तो अगर आप चाहो तो अपनी टीम में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्रेडिट का कोई भी इशू नहीं आएगा, अगर आप चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो नीचे से आके जिसे मैं सबसे पहले पिक करूँगा उनका नाम है ऋतुराज गायकवाड़।
तीन बैक टू बैक 50 लगाई थी इस बंदे ने, ठीक है। प्रेस फिर शो को अगर आप चाहो तो अपनी टीम में रख सकते हो, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके ऊपर खतरा है थोड़ा चहर का, तो उसी वजह से मैं इन्हें फिलहाल के लिए अपनी टीम में ट्राई नहीं करना चाह रहा। बाकी पुजारा देखो ट्रेनिंग सेशन में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने की है, टेस्ट प्लेयर हैं, लेकिन T20 वाली परफॉर्मेंस भी इन्होंने अपनी टीम के लिए ऐसा मतलब ट्रेनिंग सेशन में देखा गया है कि अच्छी परफॉर्म दे रहे हैं। 8 क्रेडिट के हैं, अगर आप चाहो तो अपनी टीम में रख सकते हो, आपको वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करेंगे पहले आ जाते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, उठा लिया मार्कस टोनिस को बिना किसी चर्चा के। अब बात करते हैं रविंद्र जडेजा, सैम करन, क्रिस वोक्स अगर खेलते हैं तो हो सकता है मैं इन्हें अपनी टीम में रखूं। मोइन अली, अक्षर पटेल नहीं खेलेंगे, सैंडर गोवत्थम, यादव वर्मा, आई डोंट थिंक इनमें से किसी को भी मौका मिल पाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर गोवत्थम खेलते हैं तो इन्हें अपनी स्मॉलिक और क्रेंडिक दोनों की टीम में रख लेना, काफ़ी शानदार प्लेयर है, ठीक है। अब ऊपर वालों की बात करते हैं, ऊपर वालों की बात मतलब सैम करन, रविंद्र जडेजा। देखो सैम करन का बैटिंग ऑर्डर अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है 2 डाउन या 3 डाउन भी आ जाए, हो सकता है इनका जो डिफ़ॉल्ट बैटिंग ऑर्डर है जो कि नंबर 6 या 7 पर है उसके हिसाब से इन्हें भेजा जाए। अगर उनके हिसाब से भेजा जाता है या किन्हीं का नंबर 7 पर बैटिंग करने भेजा जाता है तो हो सकता है फिर सैम करन को मैं अपनी टीम में ट्राई नहीं भी करूँ, ठीक है। खैर बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन के, ऊपर के दोनों तो खेलने के चांसेस कम है। ईशांत शर्मा को हो सकता है फिलहाल के लिए मैं अपनी टीम में ट्राई नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास और भी अच्छे ऑप्शन हैं, वो है अमित मिश्रा के, रविंद्र अश्विन के, फिर नीचे से दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर के। एंगिडी जो है ये वाला मैच मिस करेंगे, ताहिर का अभी कन्फर्मेशन नहीं है कि खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, उमेश यादव खेलेंगे लेकिन आई डोंट थिंक मैं इन्हें अपनी टीम में ट्राई करने के लिए अभी तैयार हूँ, ठीक है। बाकी और नीचे और कोई भी अच्छा ऑप्शन जो मेरे को लगता है नहीं है, और ऊपर से यार 4 बॉलर आई थिंक काफ़ी है एक छोटे मैदान में, इतने बॉलर काफ़ी हैं। अमित मिश्रा, रविचंद्र अश्विन दोनों की परफॉर्मेंस मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताई है, दीपक चाहर, पृथ्वी शोगे, कट्टर दुश्मन और शार्दुल ठाकुर, इनकी परफॉर्मेंस जैसे इंडिया इंग्लैंड सीरीज में रही थी उसके हिसाब से भाई ये एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, तो इन्हें अपनी टीम में रखना बनता है। अब देखो अपने पास बचे हैं 10.5 क्रेडिट, बचा है एक प्लेयर लेना, इसलिए मैं बोल रहा था आपको क्रेडिट का कोई भी इशू नहीं आएगा। आप चाहो जिसे ट्राई करो, रविंद्र जडेजा, सैम करन, अपने सुरेश रैना, स्टीव स्मिथ अगर खेलते तो इन्हें ट्राई करना था वो कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने एक तरीके से सुरेश रैना को अपनी टीम में रखा, अगर इस टीम में कोई भी चेंज होता है तो वो आपको डेफिनेटली मैं टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा, उसकी चिंता मत करो। ये सिर्फ डेमो टीम है, ये सिर्फ मैंने आपको अंदाज़ा लगवाया है कि कौन सा प्लेयर आप रख सकते हो, क्या क्या कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, उसके लिए मैंने आपको ये डेमो दिया है। अब देखो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम बात कर लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की चॉइसेज के बारे में। तो यार कैप्टन और वाइस कैप्टन में मार्कस टोनिस आपके पास एक अच्छे ऑप्शन बचते हैं, नंबर 4 या 5 पर बैटिंग करने आ जाएंगे। बॉलिंग में भी हो सकता है कि आपको बॉलिंग करते हुए थोड़े से पॉइंट दे दें, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया रबाड़ा और नोटिया दोनों ही ये वाला मैच मिस करने वाले हैं। और कौन कौन से आपके पास अच्छे ऑप्शन हैं, देखो फाफ डू प्लेसी आपके लिए एक एवरेज जो है पिक बन जाते हैं, अगर इन्होंने जो है वापस अपनी फॉर्म ढूंढ ली तो आपके लिए अच्छे पिक भी बन जाते हैं। ज़्यादा चॉइसेज अपने पास नहीं है, शिखर धवन आपके लिए एक चॉइस है, ज़्यादा कंफर्मेशन वाले चॉइस अपने पास नहीं है इस मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, ये बात मैं आपको अभी बोल देता हूँ। जैसे पिछला मैच गया था उसमें अपने पास कंफर्म पिक थे एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, है ना, ये कुछ कंफर्म पिक थे जिन्हें हम अपना कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं, स्काई, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे पिक ही नहीं है, इसमें सिर्फ ऐसा है कि ये कुछ चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला, इसीलिए इसमें कुछ कंफर्म पिक नहीं है फिलहाल के लिए। ऐसे मान लो ये 3 तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऋतुराज गायकवाड भी मैं तो बोल दूंगा, 3 बैक टू बैक 50 लगाई थी, मना सकते हो, लेकिन वही बात है कि थोड़े रिस्की हो जाएगा, हो सकता है पिछले सीजन में लगाई थी इस सीजन में नहीं लगाएं। बाकी देखते हैं क्या सीन रहता है, टॉस के बाद सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर बता दी जाएगी। फिलहाल के लिए तो इन तीनों में से ही किन्हीं 2 को बना दो, ठीक है। तो जस्ट सपोज मैंने बना दिया शिखर धवन और मार्कस टोनिस को, बाकी इस टीम में कोई भी चेंज होता है तो मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, और मिलते हैं अपने लाइव सेशन में, अगर मैं आता हूँ शाम को तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। यार इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा।